अनफॉर्चुनेट इस प्रकार का ये सारा इंसिडेंस है। पीआई के ऊपर जिस प्रकार से एपीआई ने गोली चलाई और एक कांस्टेबल भी उसमें जख्मी हुआ, पीआई सीनियर पीआई की कल उसमें मृत्यु हुई है। जानकारी जो मैंने ली है उसमें मूल रूप से ये जो एपीआई है ये रात को 2:30 बजे मौजूद नहीं थे और इसलिए एक स्टेशन डायरी में एंट्री हुई जिस एंट्री में वो गैर हाजिर थे ऐसा हुआ। बाद में उन्होंने फोन करके कहा मैं भोजन करने आया हूँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो सुबह भी आए नहीं। तो सुबह भी जो रात के स्टेशन ऑफिसर थे उन्होंने वापस सुबह एंट्री उसमें ली कि भाई ये गैर हाजिर थे। तो जब वो दूसरे दिन ड्यूटी पर आए तो सीनियर पीआई के पास वो गए कि मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा गया, इससे पहले और भी लोगों ने इस प्रकार से किया था। सीनियर पीआई ने उनको समझाने की कोशिश की और बाद में सीनियर पीआई निकले, लेकिन इन्होंने गुस्से में पीछे से उनके ऊपर गोली चलाई जिसमें उनकी मृत्यु हुई। जो दूसरे पुलिस है जिनको गोली लगी है वो अभी ठीक है, डेंजर से बाहर है। इसमें अभी इसकी पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं। मूल रूप से ये जो एपीआई है इनको जनवरी में तकरीबन 38 दिन की इन्होंने छुट्टी ली थी जो उनको सैंक्शन की गई थी। उसके बाद तकरीबन मार्च में भी उनको 2 दिन की छुट्टी दी गई थी। 7 दिन बिना छुट्टी के वो गैर हाजिर थे, लेकिन उन्होंने अर्जी दी तो उसको भी सैंक्शन कर दिया गया और उसको भी पेड लीव किया गया। तो इसके पीछे कोई मानसिक कारण थे क्या या क्या कारण थे, उनके घर के लोग कहते हैं शायद वो डिप्रेशन में थे, तो ये सारी चीजों का अभी उसकी तहकीकात की जा रही है। पर ये बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके मूल तक हम जाएं ताकि ऐसी घटनाएं आगे न हो। पुलिस का स्ट्रेस कम करने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने उपाय योजना शुरू की है। बीच में मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मैंने कहा था, उन्होंने कई नामवंत जो साइकियाट्रिस्ट है उनको भी बुलाया था, उनसे एक उन्होंने पूरा रेजिम तैयार किया है कि किस तरह से हम पुलिस को डिस्ट्रेस कर पाए। पर इस मामले में मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको लगातार छुट्टियां दी गई है, तो इसलिए इसके कारण क्या है वो ढूंढने पड़ेंगे।